स्वागत है दोस्तों आपका चैनल तुर्का व्लॉग्स के अंदर। आज की वीडियो है दोस्तों उनके लिए जो कनाडा के अंदर माइग्रेट करना चाहते हैं। तो जो कनाडा का पॉइंट वेज सिस्टम है, जो एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी का, वो पॉइंट्स आप घर बैठे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आपको जाना है जी गूगल गूगल पे आपको सर्च करना है कनाडा सीआरएस कैलकुलेटर। तो सबसे पहले ही साइट आ जाती है जो कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है, cic.gc.ca। आपको इसको खोलना है। तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग टूल्स नज़र आएंगे। तो हमने क्लिक करना है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS, जो हमने टाइप किया था उसके अंदर ही। तो जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज खुलेगा उसके ऊपर इन्होंने बताया हुआ कैसे ये वर्क करता है और कितने कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसके अंदर टोटल 1200 पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर 600 आपकी क्वालिफिकेशन के होते हैं और 600 आपका अगर कोई जॉब वर्क कनाडा के वो होते हैं जो कनाडा के अंदर होते हैं, जो कनाडा के या आपकी स्टडी है जो आपका, या जॉब है, या आपका कोई सिबलिंग है जो ब्रदर या सिस्टर है जो, उसके पॉइंट्स मिलते हैं 600। और इसके ऊपर और आप भी जा जो ये है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम क्राइटेरिया है इसका, तो आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ना डिटेल ब्रीफ डिटेल दे रखी है कि आपको किस चीज़ के कितने कितने पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कनाडा की तरफ से। तो आप फिर से हमें तो वैसे ही चेक करना है कि हमारे कितने पॉइंट्स बन सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि ये मैरिज के रिगार्डिंग पूछते हैं, तो आपका जो भी है आप डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपकी एज पूछी जाती है, अपने इसके अंदर एज सिलेक्ट करनी है अपनी। इसके अंदर दो तरह से आप कर सकते हो, अगर आपको इनविटेशन आ चुका है तो आप जब आपने अप्लाई किया था तब कितनी एज थी, या फिर आप जैसे नॉर्मल मैं चेक कर रहा हूँ आप वैसे भी डाल सकते हैं। और उसके नीचे आता है लेवल ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर आपने अपनी एजुकेशन डालनी है कि आपने डिग्री या डिप्लोमा क्या क्या कुछ कर रखा है, मास्टर्स है, PhD। जितनी ज़्यादा हायर स्टडी होगी उसके उतने ज़्यादा ही पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके नीचे आता है कि आपने कनाडा के अंदर कुछ स्टडी की है कि नहीं, यस या नो आप कर दो। तो हम इंडिया से जस्ट नॉर्मल चेक कर रहे हैं तो हमने नो कर दिया। उसके बाद आती है जी आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश या फ्रेंच आपकी कितनी अच्छी है। तो अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं भी दिया है तो अगर आपको पॉइंट्स ही चेक करने हैं तो भी आप यस ही कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल इंडिया के अंदर आइल्स चलती है तो आप स्कोर डाल सकते हैं कि जो भी आपका आप लेके आ सकते हैं स्कोर, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे पॉइंट चाहिए तो 777 और 8 आपको कंपलसरी है उसके लिए अच्छा स्कोर। अगर कम भी है तो कम पॉइंट मिलेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपकी कि आपके बैंड कम है। तो उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कोई फ्रेंच का टेस्ट भी दिया हुआ है तो हम नो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपने दिया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी आपका वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका कनाडा के अंदर कितना वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं और उसका टाइम पीरियड भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा कनाडा के अंदर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। अगर आपकी जॉब जो भी स्किल लेवल है ऊपर आप चेक कर सकते हैं NOC की वेबसाइट पे कि आपकी किस लेवल के अंदर आपकी जॉब पड़ती है, और इंडिया के अंदर आपका जितना भी है उतना आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। और जो नंबर 7 पे है कि आपके पास प्रोविंस या टेरिटरी से कोई इनविटेशन है, या PNP का कोई आपके पास इनविटेशन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे।
हम जस्ट चेक कर रहे हैं। जितने भी आपके पास या इनविटेशन होंगे तो आपके उसके प्लस पॉइंट ही होंगे, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है कि आपके पास LMI ये है आपका कैनेडा की तरफ से, तो हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। और उसके बाद है कि आपका वही PNP का ये पूछते हैं कि आपके पास PNP से कोई और इनविटेशन है, तो आपका नो करेंगे। और स्पाउस के भी, अगर आप स्पाउस के साथ लगा रहे हैं तो उसके प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो हम तो सिंगल आपने सिलेक्ट कर रखा है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। और आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये बता देगा कि आपकी एज के इतने पॉइंट है, एजुकेशन के इतने पॉइंट हैं, अगर आपने स्टडी कनाडा के अंदर कर रखी है तो आपके इतने पॉइंट है, लैंग्वेज के पॉइंट हैं, उसके बाद स्पाउस के भी पॉइंट्स जुटते हैं, और स्किल ट्रांसफरबिलिटी फैक्टर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपके पॉइंट जुटते हैं। कनाडा वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं था तो हमने 0 पॉइंट मिले उसके। और CRS टोटल हमारा बनता है 429, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपके पास इसके अंदर जॉब ऑफर भी होता, अगर आपके पास LMI भी होता, अगर आपके पास स्पाउस के भी प्लस पॉइंट जुड़ते, अगर आपके पास सिबलिंग कोई आपका कनाडा के अंदर है वो भी आपका अंदर है, उसके भी आपके प्लस पॉइंट जुड़ते, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बनता। कनाडा कम से कम 400, 300, 400 इस रेंज में लोएस्ट स्कोर उठाता है, तो आपके अच्छे चांसेस हैं आपके माइग्रेट करने के। तो आप इस तरीके से आप भी नॉर्मल जस्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आपका बन सकता है। और अगर आपको अच्छी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।